नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं बी न्यूज लगातार देवरे जनपद के तमाम उन अच्छाइयों और बुराइयों को आप तक दिखाने का काम करता है। इस समय मैं मौजूद हूं देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के लार नगर पंचायत क्षेत्र में। यह लार नगर पंचायत क्षेत्र में एक ऐसी खेती की गई जो ऑर्गेनिक है और पारंपरिक खेती से हटकर लोग गेहूं धान छोड़कर अब ये फसल बो रहे हैं। ये जो सब्जी होता है, हरी सब्जी, उसको बोया जा रहा है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें बताया जा रहा है कि केमिकल का प्रयोग ना मात्रा में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से आधुनिक तरीके से खेती की गई है। क्योंकि जहाँ देवरिया जनपद के लोग इस तरह की खेती नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब देवरिया जनपद के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अब आधुनिक तरह से खेती करें। हम जानेंगे कि ये खेती इस तरह से करने में कितनी लागत लगती है और क्या क्या इसमें उगाया जा सकते हैं। आप बताइए कि इसमें क्या क्या उगाया जाता है और खेती में कितनी लागत लगती है। इसमें कम से इसमें आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, फ्लावर्स की भी खेती कर सकते हैं। और इसकी लागत एक बार में अगर केवल कुकुम्बर की जाए तो करीब लेबर कास्ट और प्लस बीज का पूरा टोटल हार्वेस्टिंग तक इसका खर्च लगभग लगभग 3 से 4 लाख रुपये तक आएगा। और आपने इसमें कितने रुपए अभी तक लगा दिया है? इसमें मैंने अभी तक टोटल 34 लाख रुपए लगाए इस प्रोजेक्ट में और अभी क्रॉप हमारा लगा हुआ है जो कि 1 महीने बाद इसका हम हार्वेस्टिंग। कितने दिन से इस तरह की आप खेती कर रहे हैं? इसमें हमारा कोई अनुभव नहीं है, अभी जस्ट हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। मतलब पहली बार ये फसल आपने लगाया? जी, पहली बार लगाया हुआ हमने। तो आज जो अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो आपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो निकल पाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल 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 निकल पाएगा, क्योंकि हम सिक्योर हैं कि ये निकल पाएगा और ये हमारे मेहनत पे डिपेंड करता है। कोई भी कार्य अगर किया जाता है, अगर उसमें मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। और हम अपने किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आज के दौर में हम गेहूँ धान से जो भी मतलब पैसे निकाल रहे हैं वो केवल हमारे घर खर्च तक ही सीमित हो जाएंगे, लेकिन हम उसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम टेक्निकल खेती की तरफ आगे बढ़ें और टेक्निकल पूरी तरह से होके काम करें तो हमें जरूर लाभ मिल सकता है। ये जो आपने खेती किया है ये कितने एकड़ में है और कब तक इसमें फल आने लगेंगे? ये लगभग 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर में नेट हाउस बना हुआ है और इसमें फल लगभग 45 से 60 दिन के अंदर इसमें फल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो शासन स्तर, जो कृषि विभाग अधिकारी है, उनके द्वारा इसमें किस तरह की मदद की जा रही है? शासन द्वारा पूरा मदद किया जा रहा है, जो कि इसको बनवाने पर हमें 50% तक सब्सिडी मिल रहा है और सरकार की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और हर समय इसको हमारे लिए गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि कैसे क्या करें और क्या न करें। जो इसका बीज है अपने यहाँ मार्केट से लेते हैं किसी और? नहीं, ये अपने विद्यालय से लेते हैं? नहीं, अपने यहाँ मार्केट से नहीं लेते हैं। इसके बीज हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और हमारे जो इसके डॉक्टर हैं वो भी हमें इसके लिए बताते हैं कि कौन सा बीज लगाना सही है कौन सा नहीं। अगर इस फसल को कोई बीमारी होता है, पत्ता सूखने लगते हैं, पीलापन होने लगते हैं, उसके लिए आप कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? इसके लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, इसके लिए डॉक्टर हैं, वो इसको बराबर देखते रहते हैं, उनकी निगरानी में चलता है। केमिकल वाली होती है या ऑर्गेनिक? नहीं, ऑर्गेनिक भी यूज होती है और हल्की फुल्की केमिकल वाली भी। जब ऑर्गेनिक से नहीं अगर हो पाएगा तो थोड़ी बहुत यूज होती है केमिकल वाली, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं होती? नहीं नहीं। तो कब आप जो ये लगाए फसल, इसके साथ साथ अब क्या फल वाले भी लगाना चाहेंगे, जैसे फल हो गया, तमाम तरह के? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद फिर ट्राई करेंगे। अभी हमारे पास 3 चीज ऑलरेडी लगा हुआ है, हमारे पास खीरा लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगा हुआ है और टमाटर लगे हुए हैं। इसके हार्वेस्टिंग के बाद हम फिर ट्राई करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास सिंह पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल युवा है, इनका कहना हम पहली बार इस खेती को किए हैं और आजमा रहे हैं किस्मत कि अच्छे खासे मोटे रकम भी लगाए हैं और देखेंगे कि यह खेती जो है कितनी लाभदायक होती है। फिर हम आपको इस खेती के बारे में आगे भी बताएंगे कि यह किसान इस खेती से लाभ कमा पा रहे हैं कि नहीं।